तो हम लोग की जोड़ी आ गई है वापस और मेरे चैनल में होने वाला एक मजेदार चैलेंज, लेकिन वो क्या है? वो है आज स्पीड चैलेंज। हमारा जमाना वर्सेस पुराना जमाना, रिच वर्सेस नॉर्मल, जो भी मानना आप। व्हाट डू यू मीन बाय रिच वर्सेस नॉर्मल? मैं अपने जमाने की फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगी और मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगी बस। काफी आते हैं और मेरा लाइक हमेशा का ऑर्डर है कैंडी लाइट, तो मैं वही लेना चाह रही हूँ। ये यहाँ का बेस्ट सेलर है, बट यह कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। इतने में तो मैं महीने की आइसक्रीम खा लूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि काश ये हमारा जमाना होता और ये मुझे मिलती। वैसे तो ये वाली मैं घर पे भी बना सकती हूँ, इतनी सिंपल, इतनी इजी है। कुछ भी किया उन्होंने, बस उसने वनीला और स्ट्रॉबेरी को मिलाया, उसमें कैंडी डाली, कट 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 किया, जैम लगाए, सजाते दे दिया। फालतू के दिखावे के पैसे हैं, शोशा के। तो मेरी आइसक्रीम आई है 169 रुपीस की एंड इंक्लूडिंग टैक्सेस 177 रुपीस की। बेसिकली मेरी एक वॉफल कोन में इन लोगों ने मुशमुश करके स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम दे दी है और उसके अंदर फिर उन्होंने जेलीज भी डाल दी हैं और इसके ऊपर मेरे जेम्स डाल दिए हैं, जस्ट जेली डाल दी है, सार जेली डाल दी है, भी डाली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। तो वैसे जो मेरे वाला वॉफल होता है जो कॉर्नेटो के साथ आता है वो भी इसी टाइप का ही होता है, बट इन्होंने ये थोड़ा सा फ्लावर स्टाइल में बना दिया है, वो ट्रेडिशनल कोन स्टाइल होता है। मैं तो अब अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ, मम्मा की बारी है और इसको छोड़ के मैं तो जा रही हूँ अपनी आइसक्रीम खाने। देसी आइसक्रीम खाने के लिए मैं रिचा के साथ आ गई हूँ यहाँ पे। अनंतिया तो आई नहीं क्योंकि उसको अपना विदेशी पसंद था और हम ट्राई करेंगे चुस्की। आप कौन सी चुस्की खाएंगी? काला खट्टा। काला खट्टा, तो चलिए। और हमें बड़ी मुश्किल से ये मिला है क्योंकि यहाँ पे सारे वेंडर्स को उठा दिया गया है, तो हम दो तीन वेंडर्स को ढूंढते ढूंढते इधर पहुँचे। छोटा सा ठेला है लेकिन मिल गया। यहाँ पे है तीन चार फ्लेवर, काला खट्टा, रोज, ऑरेंज, खस और मैंगो, ये सारे यहाँ पे, और नींबू भी है यहाँ पे। नमक डाल रहे हैं, दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे। वो तो चिकन खाने का मन कर रहा है बट आज मंगलवार है। डरा दिया इन्होंने हमें। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये दे रहे हैं, बट अभी इन्होंने पहले उसका सिरप बनाया, अब उसकी चुस्की बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आ रहा है जैसे वैसे आता है, बट अच्छा है। तो खट्टा मैंने और डलवा लिया है। रिचा दी देखो कैसे देख रही है। इसको ऐसे खाते हैं, डुबाया, खाया और खाया। तो इसका अपना ही मजा है। वो मॉल वाली आइसक्रीम मुझे तो नहीं पसंद आती। कैसा लग रहा है रिचा? कह रही है मैं आइसक्रीम, रिचा कह रही है मैं आइसक्रीम फैन। मैं आइसक्रीम फैन नहीं हूँ, उस दिन तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, बट आई एम अ गोला फैन। तभी जा रही थी। अब देखते हैं अनंतिया कौन सी आइसक्रीम खा रही है। तो अब वापस से मेरी बारी है और मैं मम्मा को लेके आई हूँ ज्ञानी। ज्ञान लेने के लिए नहीं, वो तो आप दे ही देती हो हर दिन। अच्छा अच्छा, मम्मी आप कुछ खाओगी? मेरे को तो आनंदिया बहुत डिफरेंट जगह लेके आ रही है और ज्ञानीज की आइसक्रीम भी मैंने सुना है बहुत फेमस है, तो चलो मैं इसके साथ खा लेती हूँ। आप अपनी वाली खाओ। भैया की चाल है ना, ये सारी खा जाएगी। तो आनंदिया की ये चाल है कि पहले तीन चार आइसक्रीम टेस्ट करेगी और फिर लेगी। पसंद आई? ये अच्छी नहीं है, ये भैया अच्छी नहीं है ना, बोल बोल। अच्छी नहीं है।
स्ट्रैटेजी वाइज तो मैंने भी दो चार आइसक्रीम टेस्ट कर ली है। और गुनो आप कौन सी ले रही हो? चॉकलेट ब्राउनी। हाँ, और मैं खिलाती हूँ एक कॉटन कैंडी ट्राई करा रही हूँ। तो मैंने ब्राउनी विद चॉकलेट संडे, ब्राउनी चॉकलेट संडे लिया है, ठीक है। और मैंने दूसरी लिया, और मैंने दूसरी इसमें नहीं है, बट मैंने वो कॉटन कैंडी वाला फ्लेवर लिया है स्मॉल कप में। ये आइसक्रीम आ गई है, बहुत ही रिच लग रही है ये तो मुझे। ये मुझे लग रही है हॉट चॉकलेट फज की तरह। इसमें नीचे पहले इन्हें ब्राउनी की लेयर डाल दिया, उसमें थोड़ा फज डाला है, और इसके ऊपर अच्छा सा बड़ा सा वनीला आइसक्रीम का स्कूप डाल दिया है, और उसमें चॉकलेट फज डाल के और नट्स डाल दिए हैं। और इसको ऐसे डीप अंदर तक टच करके खाना चाहिए। मम्मा आपको तो अपनी खानी होगी ना, मेरी भी आपको लाओ मैं खाना। हमारी ये कॉटन कैंडी आइसक्रीम आ गई है, जिसको हम लोग दो सेकंड साइड में रखेंगे क्योंकि मेरे को आपको बिल दिखाना है। तो मेरा ब्राउनी संडे आया था 215 रुपीस का, और कॉटन कैंडी स्कूप आया था 90 रुपीस का, तुम्हारा टोटल हो गया 360 रुपीस। हाँ, बेसिकली मेरे को ऐसे लाइक आइसक्रीम्स ऑफ कोर्स सबकी बहुत अच्छी फेवरेट होती हैं, बट जो मम्मा वाली आइसक्रीम्स हैं वो भी मैं कभी कभी खाती हूँ। बट आई नो आप लोगों को भी ऐसी आइसक्रीम्स अच्छी लगती है, तो आप कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है ऐसी गोरमे आइसक्रीम्स में। मेरा कॉटन कैंडी है बाय द वे। मैं बास्किन रॉबिन्स जाऊँ, ज्ञानीज जाऊँ, और वो जिलाटो जाऊँ, तो मैं बस कॉटन कैंडी का एक स्कूप तो हमेशा मंगवाती हूँ, और फिर कुकीज एंड क्रीम। यानी के जवाब में अनंत्या को तो मैं वहीं छोड़ के आ गई हूँ, और मुझे दिखा फलूदा में सीधा वहीं आ गई हूँ, और फलूदा अब मैं खाऊंगी कौन सा वाला ये देखते हैं, या कुल्फी खाऊंगी नॉट फलूदा। तो इस ठेले में है बादाम शेक, फलूदा, फ्रूट्स, रबड़ी कुल्फी दे दो। तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो भैया कितने की है कुल्फी? 30 रुपए की कुल्फी है, अच्छी है, और एकदम फ्लेवर आ रहा है रबड़ी कुल्फी का ही। चलिए अपनी जुबान दिखाना। मुझे जो गोला बनाया था वो गोलगप्पे वाले ने गोला बनाया था, वो मिला था मुझे। और ऐसी स्ट्रीट फूड खाने के लिए मैं जा रही हूँ बनारस, तो अगर आपको कुछ बनारस की जॉइंट पता है जहाँ का आप रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी तक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और बनारस की जॉइंट्स बताना, फिर मैं आपके लिए ब्लॉग लाऊंगी। तो रिक्शा कैसी रही गोला पार्टी? मज़ा आ गया। रिक्शा ने तो गोला ही आया, मैंने कुल्फी भी खाई। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।